और कहीं कर लिया। ठीक है, हमने यहाँ से पढ़ा था कि आप जब कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करते हैं तो हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए या हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो कंप्यूटर समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है या मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है ना, तो बाइनरी लैंग्वेज हमने नंबर में पढ़ा था, जीरोज एंड वन, तो दिस इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन वो जुबान समझता है जो करंट और नो करंट। ठीक है, तो बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। तो फिर क्या किया हमने, कुछ सालों बाद कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं, पहले एक 25 साल पहले जो लैंग्वेज होती थी उनका डिफरेंट वर्जन है। जैसे अगर पहले फोरट्रान होती थी, कोबोल होती थी, तो उसका एक्सटेंशन है जो आज आप प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि जनाब दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक वो होता है जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम का मतलब है मशीन, सिस्टम का मतलब है कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, यूटिलिटी और सारा कुछ है। और कल हमने ये पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कुछ आप लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक यूजर होता है, फिर वो एप्लीकेशन को एक्सेस करता है और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको हार्डवेयर को एक्सेस करता है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू डू इट, तो आज हम जरा देखेंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन, जनरल पैकेज क्या चीज होती है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई सवाल अभी तक किसी के जहन में? ये हमने यहाँ पढ़ा था, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ कौन होते हैं, जो रेडीमेड प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप 10-15% चेंज करते हैं। ये बात हो रही है बड़े बड़े ईआरपी की, एसएपी, ओडो, लेकिन एमएस ऑफिस को क्या करते हैं, एमएस ऑफिस को आप इंस्टॉल करते हैं और बस यूज करना शुरू हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। ठीक है, या श्रिंक रैप्ड, यानी किसी प्लास्टिक में लिपटे हुए। दूसरा होता है कि कस्टम बिल्ट, कि अगर आपका जो ऑपरेशन है उसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो, कोई भी बिजनेस है, उसको आप बना बनाया सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उसको कोई वेंडर हायर करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस या लोगों की टीम हायर करते हैं और उनको बताते जाते हैं और फिर आप उनको बनवाते जाते हैं। तो बना बनाया जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी डिलीवरी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज रिलेटिवली क्विक, क्योंकि वो बना होता है, टेस्टेड होता है। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आप बनवाते हैं उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि आप बनवाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसमें गलतियां होंगी, उसको मेच्योर होने में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो अगर आप एसएपी ले रहे हैं तो पूरे एसएपी के 4 मॉड्यूल 6 मॉड्यूल आप एक साल के अंदर ले सकते हैं, लेकिन कोई कस्टम डेवलप करवा रहे हैं तो उसमें ज्यादा साल लग सकते हैं, क्योंकि वो बनेगा, फिर वो लोग उसको चलाएंगे, उसमें बग आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, तो कस्टम बिल्ड हमेशा इट्स लॉन्गर पीरियड। ठीक है भाई, ठीक है, यानी अगर आप किसी ऐसी चीज के लिए बनवा रहे हैं तो उसमें जो जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग जो है वो बार बार होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर सही नहीं चल रहा होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे चले। फिर हमने सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की बात की थी, ये तीन तरह के लाइसेंस की हमने बात की थी। प्रोप्राइटरी का मतलब है जो मैन्युफैक्चरर है या डेवलपर है उसकी प्रॉपर्टी होती है सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो आपको इजाजत दे देता है कि आप इसको चलाइए, यूज करिए, और आपको सॉफ्टवेयर नहीं देता, आपको एग्जीक्यूटेबल एक चीजें दे देता है, इसको आप इंस्टॉल करते हैं और चला लेते हैं। विंडोज है या मैकिंटोश का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके ऊपर चलता है, तो एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें वो
आपको देता है कि जनाब आप ये करेंगे और कॉपी नहीं करेंगे और इसको कहीं और इंस्टॉल नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे, तो आपको इजाजत दे देता है और उसके वो पैसे ले लेता है, ठीक है, 25-30 हज़ार रुपये ले लेता है आपसे, सिर्फ आपको इजाजत देता है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको और कुछ नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो आपको नहीं देता है, ठीक है। दूसरी किस्म होती है कि इनके अगेंस्ट एक कम्युनिटी बिल्ट हो गई है जिसको हम कहते हैं फ्रीवेयर, ये पूरे पूरे सॉफ्टवेयर बना के आपको दे देते हैं। तो मैंने वैसे GNU लिखा था, आई डोंट नो किसी ने सर्च किया GNU या ओपन सोर्स क्या होते हैं तो ये वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें सवाल ये था कि लोग कमाते कैसे हैं, तो लोग अपनी अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं और इस कम्युनिटी के अंदर वो काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे हफ्ते में देते हैं या 15 दिन में देते हैं और उनपे काम करते हैं और उसके कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है। तो उसका इस तरह से मॉडल होता है। दूसरा मॉडल ये होता है कि जनाब ये जो आप बनाते हैं ये फ्री में, लेकिन इसके अलावा कोई आपने सर्विस लेनी है तो उसके मैं चार्ज करूंगा, अगर आप इंस्टॉल करवानी है या कुछ और करवाना है, ठीक है, उसके मैं चार्ज करूंगा। तो फ्रीवेयर में नॉर्मली आपको जो कम्युनिटी है वो डेवलप करती है, बहुत सारे लोग मिलकर डेवलप करते हैं, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है, 4-4 हज़ार लोग एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो वो प्रोप्राइटरी से अच्छा होता है बाज़ोकात, ठीक है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है पिछले 10-12 सालों में डेवलप हो गया है कि बनाएंगे कैसे। तो जैसे टीम होती है वर्चुअली टीम, जैसे अगर आपकी कोई प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है जिस कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ लोग चाइना में बैठे हैं, एनी क्वेश्चन? GNU बता दें, GNU बता दें, GNU एक्चुअली इसका एब्रीवेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, इट्स अ लाइसेंस, यानी जनरल पब्लिक इसका लाइसेंस होती है, इसको आप मैं भी नेट पे सर्च करके आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ GNU, ठीक है। तो लेट मी शो इट टू यू, चलिए मैं आपको मैं GNU दिखा रहा हूँ, GNU क्या होता है पढ़ के मैं इसका एब्रीवियशन आपको दिखा देता हूँ। GNU एक्चुअली ड्राइव हुआ है, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आप स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन ये स्क्रीन है जो मैंने सर्च किया है GNU, तो GNU स्टैंड फॉर ये आ गया, एक्चुअली यूनिक्स जो था ना वो GNU नॉट यूनिक्स, तो नॉट यूनिक्स का मतलब ये है कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नहीं है तो इसका मतलब है, अब ये ओपन सोर्स का एक दूसरा नाम है GNU, GNU is not Unix, यानी ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर को GNU लाइसेंस कहा जाता है। GNU लाइसेंस का मतलब ये है कि जनाब ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारा कोर्स नहीं है लेकिन हमारा, ठीक है। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो किसी ओनरशिप होती थी, बेल लेबोरेटरीज का होता है, यूनिक्स असल में एक जिस तरह विंडोज है माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है, तो इस तरह से यूनिक्स जो है ना वो बेल लेबोरेटरीज ऑन करता था, लेकिन इसके जैसा एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसको हम कहें कहा लिनिक्स, तो वो लिनिक्स बताया गया कि जनाब यूनिक्स की प्रोडक्ट नहीं है और दैट इज कॉल्ड GNU, ठीक है, ठीक है, इसको जरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा सर की जरा बैटरी डाउन है, ठीक है। तो GNU का जो एब्रीविएशन है वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही है कि जो GNU लाइसेंस है वो फ्री लाइसेंस है, यानी आप उसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो ओपन सोर्स कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ओपन सोर्स को जरा पढ़ लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्ट कहेंगे तो फिर मैं लेक्चर थोड़ा सा और तैयार कर दूंगा उसमें, लेकिन मेरा ये कहना है कि कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अपने पैसे चार्ज करते हैं और अपने कॉस्ट लेते हैं, वहां पर लाइसेंस की कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है, यानी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट और ऑरेकल की चीजें लगाएं तो इट्स एडवाइजेबल स्टूडेंट्स को जो अभी पहले दूसरे सेमेस्टर में, इट्स एडवाइजेबल के ओपन सोर्स प्रोडक्ट देखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना के देना चाहते हैं तो ये वाले कॉम्बिनेशन को देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप पाइथन और ठीक है ये वाले कॉम्बिनेशन को आपको देखना चाहिए,
ठीक है, ये ठीक है, पोस्ट जी आ रही या पोस्ट ग्रिस भी कहते हैं इसको, इसको यूं भी लिखते हैं, जी आर ई एस क्यू एल, इसको यूं भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लोग अब अभी क्यों देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इस पे बनी हुई अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सीख के इसको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और पैसे कमाएं, रादर देन कोई बनाए। फॉर एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं और आप कहते हैं मैं एक जबरदस्त ईआरपी बनाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं है, बने बनाए ईआरपी और उसको सीखिए, चलाइए और उसे पैसे चार्ज करना शुरू करिए, ठीक है। नौकरी करनी है ना आपको, तो टेक्नोलॉजी आपको आती है, मेंटेन कैसे करते हैं उसकी पूरी एक साइंस है, ठीक है। ठीक है, चलिए, सर को बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। चलिए, तो बहरहाल ये एक एडवाइस है, इस पर हम एक सेशन कर लेंगे या कभी किसी साहब को ओपन सोर्स पे बुला के हम बात कर लेंगे लोग, ताकि बच्चों के सवाल जवाब हो सके या मैं ही ले लूं। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर ये एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं या दो दोस्त हैं जो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और एक छोटी सी यूटिलिटी है जो आप बनाते हैं और लोगों का मकसद पूरा करते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसको कहीं अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पे या गूगल की उस पे, और फिर आप लोगों को कहते हैं आप इसको डाउनलोड करिए और चलाइए, तो दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर, ठीक है। तो इसमें आप बहुत मिनिमम कॉस्ट रखते हैं, $10, $15, ठीक है। जैसे जैसे वो पॉपुलर होती जाती है आप पैसे बढ़ाते जाते, जैसे जैसे लोग उसको खरीदते जाते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि जब एक आदमी एक दूसरे से मिलता है तो कार्ड एक्सचेंज करता है, मैं उसको अपना कार्ड दूंगा उससे, ताकि मैं पता चल जाए कि किन साहब से मिल रहा हूँ और क्या नाम है उनका, ईमेल एड्रेस क्या है उनका, फोन नंबर क्या है। यू एक्सचेंज द कार्ड, फिर वो कार्ड में ला के अपनी एक फाइल में रखता हूँ, वो अपनी फाइल में रखेंगे तो मुझे मालूम है मैं किन साहब से मिला था। एक तो ये तरीका है, मैनुअल तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने कार्ड की फोटो खींची और एक सॉफ्टवेयर में डाल दिया और उसको कंपनी के नाम से सॉर्ट कर लिया या आदमी के नाम से सॉर्ट कर लिया। तो नॉर्मली कंपनी के नाम से सॉर्ट करते हैं, तो जब आप उस पे जाते हैं जनाब एस के नाम से, तो सारी एस की कंपनियां दिखा देगा, उन सब का कार्ड उसके अंदर होगा। तो ये कार्ड को मेंटेन करना या कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल हुआ है या मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो वो कोई महंगा नहीं होगा, वो $10 का होगा, 15 बहुत हुआ तो $40-$50 का होगा, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो ये है, तो हमने पढ़ा था कि जनाब फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था ओपन सोर्स होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ये पाइथन, ओपन एस एस एल, यूबंटू, ठीक है। तो यूबंटू जो लोग जिन लोगों ने थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था आपको इंटरनेट, तो इंटरनेट के जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम है, यानी जो 24 घंटे चल रहे हैं और सालों से चल रहे हैं, वो कभी विंडोज नहीं होते, ठीक है। तो वो सिस्टम जो है वो नाम भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो विंडोज नहीं होते, मिशन क्रिटिकल। तो यूबंटू भी इज नॉन विंडोज, यानी यूनिक्स लिनक्स वाली फैमिली है, और ठीक है। तो ये जो मल्टी यूजर सिस्टम बनाए जाते हैं ना, यूनिक्स हो गया, सन सोलारिस सन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हैवी ड्यूटी है और रिडंडेंट है और खराब आसानी से नहीं होता है। जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम होते हैं वो उस तरह से लगाए जाते हैं। खैर, अब तो रिडंडेंसी आ गई है और पैरल सिस्टम हो गए, सारा कुछ है, ठीक है। तो ओपन सोर्स वाले या यूनिक्स वाले सिस्टम इज मोर रिलायबल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रिलायबल। ये शेयरवेयर है, और शेयरवेयर में बताया था कि कहीं आप अपलोड कर देते हैं और वहां से लोग डाउनलोड करते हैं जो छोटी छोटी यूटिलिटीज होती है, और आप इसको मतलब आप जैसे अगर स्टूडेंट है और पांचवें छठे सेमेस्टर में कोई छोटी छोटी यूटिलिटीज आप समझते हैं कि लोगों को इस चीज की जरूरत होगी, एक सॉफ्टवेयर बना लिया आपने, असाइनमेंट कर लिया, प्रोजेक्ट अच्छा कर लिया, उसको कहीं अपलोड कर दिया और फिर लोग उसको डाउनलोड करें पैसे, तो आपको बस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे पॉपुलर होगा तो महीने में $20-25 फिर या ज्यादा आना शुरू हो गया, तो ये एक अमाउंट है जो आपको खामो खा आना शुरू हो जाएगी। एक बनाई थी प्रोडक्ट और आपको बस $500 आना शुरू हो गई, तो दैट्स अ गुड अमाउंट।
ठीक है, ट्रायल वेयर ये होते हैं कि जनाब आप ट्रायल वर्जन दे देते हैं, यानी पूरा पूरा सॉफ्टवेयर उठा के दे देते हैं कस्टमर को। और ये क्योंकि अब जमाना ये है कि बहुत हैवी हैवी सॉफ्टवेयर आप वेबसाइट पे डाउन वो लोग कर सकते हैं, तो वेबसाइट पे आपने डाल दिया, लोगों ने डाउनलोड किया, तो ट्रायल वर्जन का मतलब है ये 30 डेज और 15 डेज तक चलेगा, जिस दिन आपने इंस्टॉल किया उस दिन से लेकर उसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर वो लॉक कर लेता है अपने आप को। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अभी क्वेश्चन, कोई चीज, एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आप सवाल करेंगे तो जरा सर को रेस्ट मिल जाएगा, सर को बोलना मुश्किल हो रहा है। चलिए, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मशीन को चलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप चलाएंगे तो पहली चीज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जिस तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब मशीन, तो मशीन को ऑपरेट करने वाला। ठीक है, तो अभी हर आदमी नहीं लिखेगा, जिसने सिस्टम बनाया है तो सिस्टम का मैन्युफैक्चरर है वही इसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी लिखेगा। ठीक है, और जब भी कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं या वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो आपकी बात करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बात करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बात करेगा डिवाइस ड्राइवर से। ठीक है, और फिर वो प्रिंट करके देगा जो भी आप कह रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटीज होती है उसको। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है प्रिंटर ड्राइवर हो गया, या कीबोर्ड ड्राइवर हो गया, या माउस ड्राइवर हो गया। जैसे होता है आप यूएसबी लाते हैं, पहली दफा लगाते हैं तो यूएसबी नहीं चलती है, उसका डिवाइस ड्राइवर रोड होता है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, ऑपरेटिंग से बात करता है, और फिर आपको जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ चीजों को मैनेज करते हैं, यानी कॉपी करना, इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें। यूटिलिटीज क्या है, जो भी आपके पास सिस्टम है रैम का, प्रोसेसर का, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना। ठीक है, आखिरी चीज वो है जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर एग्जांपल का आपने प्रोग्राम लिखा है लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में, पाइथन में या जावा में या .NET में, तो तो वो बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है ना, यानी मशीन को डायरेक्टली आप नहीं चला सकते। ठीक है, तो मशीन को चलाने के लिए आप इंस्ट्रक्शन देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को, फिर वो ट्रांसलेट करता है और बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को चलाता है। ठीक है, यूं समझ लीजिए जैसे एक आदमी से काम कहना है जो मशीन है, लेकिन वो आपकी जुबान नहीं समझता है, तो आप क्या करते हैं, दरमियान में एक इंटरप्रेटर डालते हैं, आप उस इंटरप्रेटर से बात करते हैं, वो इंटरप्रेटर जो है वो मशीन से बात करता है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन की जुबान समझता है और आपकी लैंग्वेज की जुबान समझता है, तो जब आप कहते हैं तो फिर वो। ठीक है, तो ये चार लेवल होते हैं, यानी अगर आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर ए यूजर। ठीक है, तो आप उसको कुछ कमांड देंगे और ये सबसे नीचे वाले लेवल पे होगी, यानी लैंग्वेज लेवल पे होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज लेवल पे जब बात करेंगे तो फिर उससे ऑपरेटिंग सिस्टम बात करेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर से बात करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है, अच्छा, जब आप सिस्टम चलाते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो मशीन खुद से कुछ नहीं करती है, मशीन में कुछ लोड होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं बूट करना। ठीक है, तो बूट करने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मशीन तैयार होती है कि आप मुझे कुछ कहेंगे और मैं समझूंगा, तो कुछ बैकग्राउंड में सिस्टम इंस्टॉल होता है। सिस्टम इंस्टॉल होता है जो तैयार होता है आपको आपकी इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, यानी यू समझ लीजिए अगर आप कीबोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो कीबोर्ड इनएक्सेसिबल है और नहीं चलेगा जब तक कि वो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर लोड ना हो जाए। यूं समझिए जब आप की प्रेस करते हैं कोई ए या बी, तो ये ए और बी एक कनेक्शन है, बटन है। ठीक है ना, बटन है,
ये बटन जाके कहीं सॉफ्टवेयर में देखता है कि ए का क्या मतलब है, उसका एस्की कोड उठाता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन जो भी है स्क्रीन में या उसका जो भी एक्शन है वो कर लेता है, या तो जो आप लिख रहे हैं वर्ड की तो वो वैसे ही टाइप कर देता है, ठीक है। यानी ए प्रेस करने का मतलब ए बटन ही है ना, ए एस डी जो भी कीबोर्ड है उसमें कोई बटन ही है ना, लेकिन उस बटन को वैसे ही शो करना है स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है बैकग्राउंड में कोई स्क्रीन ट्रांसलेटर है, कोई जो बटन को प्रेस करने को समझता है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो आपके लिए ट्रांसपेरेंट है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए लोड कर रहा है, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कोई समझ रहा होता है, तो समझने के लिए सिस्टम को बूट किया जाता है वो, ठीक है। तो कहाँ से बूट होता है, तो ये एक छोटी सी चिप होती है जिसको बायोस कहते हैं, ठीक है। तो बायोस में कुछ चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है, और ये बहुत छोटी सी इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन ज्यादातर जो चीज होती है वो आपके हार्ड डिस्क में होती है, यानी विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में होता है, लेकिन बायोस कहता है हार्ड डिस्क के पास जाता है और कहता है कि इसको रैम में लोड करो और इसको तो अब जो आपका सिस्टम बूट हो गया, लोड हो गया, अब ये तैयार है आपकी जुबान को समझने में। सिस्टम ऑन होना, बिजली जाना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन हो गया लेकिन आपकी जुबान को समझे, आपकी कमांड को समझे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बूटिंग सिस्टम, बूट करना। तो बूट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले किसी को मालूम होता है कि क्या करना है, ठीक है। तो वो बायोस में इंस्ट्रक्शन होती है कि कहाँ से मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे लोड होगा, कौन कौन सी फाइलें हैं, ये 15 फाइलें हैं जो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर लेनी, तो बायोस में वो लिखा होता है उसको लोड कर लेता है, ठीक है। क्लियर है बात या कोई चीज मुश्किल लग रही है? क्लियर है बात? यस सर, जी सर, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करता है जिससे आपको कन्वीनियंस मिलती है, ठीक है। तो जब आप कोई चीज कहते हैं तो अगर आपको याद हो, हमने अभी लेक्चर किया इसमें एल्गोरिथम और हमने सूडो कोड लिखे थे, तो सूडो कोड एक लॉजिक को डेवलप करना, कोई प्रोग्राम को सॉल्व करना, ठीक है। तो जो हम लिख रहे हैं सूडो कोड या प्रोग्रामिंग की लॉजिक, मशीन नहीं समझती है, ठीक है। हम अपनी लॉजिक लिखते हैं, सूडो कोड लिखते हैं और एक खास सेंटेक्स में लिख लेते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूटेबल बना देते हैं। अब वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करती है और मशीन से काम लेती है, यानी प्रोसेसर, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि प्रोसेसर कुछ नहीं करता है सिवाय इसके कि कंपेयर करता है और एड जो ऑपरेशन है, एड डिलीट सॉरी एड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, बस ये करता है और कंपेयर करता है। ये सारे काम कैसे होते हैं, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख लेते हैं तो फिर वो ट्रांसलेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मशीन से बात करता है, तो प्रोसेसर को इस्तेमाल करना, उसको कंपेयर करना, उससे पहले रैम में डालना, ये सारा चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको जो भी हार्डवेयर है आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, ये सारी चीजें कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो एक्चुअली आप अपने काम से काम रखते हैं, अगर जैसे आप गेम लोड किया है या कोई आपने एप्लीकेशन लोड किया है तो आपको बहुत हाई लेवल पे जो अपने काम होते हैं बैकग्राउंड में, उस गेम को लेना और उसको चलाना, अगर आवाज निकालनी है माइक के ऊपर स्पीकर के ऊपर, तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा स्पीकर को, या कोई चीज स्क्रीन पे दिखानी है, मूव करनी है, तो दिस इज लाइक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने गेम लोड किया और वो गेम कर रहा है, लेकिन गेम किसी को इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन होती है और मशीन के साथ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली स्पीकर है, प्रिंटर है, या जो जितनी भी एक्सेसरीज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, रैम है, प्रोसेसर है, सबको इस्तेमाल करता है, ठीक। तो होता क्या है कि यू डोंट हैव टू मैनेज द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। तो हार्डवेयर एक मशीन है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता की जरूरत नहीं है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स, ये खुद ही करते हैं। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जाहिर सी बात है नॉर्मली मशीन, अगर आपने एप्पल खरीदा है तो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसको मालूम है कि क्या करवाना है, तो सॉफ्टवेयर होगा और एक हार्डवेयर होगा, आप उसके ऊपर काम लिखते हैं, ठीक है।
नंबर टू लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई। अभी एपी क्या क्या होता है, नाम सुना हुआ है एपीआई, किसी को मालूम है व्हाट इज एपीआई? नहीं सर, सुना है सर, मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा देखिए, अगर आप कोई एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जैसे आपकी इंडिविजुअल एप्लीकेशन है वो चलती है, तो उसके लिए तो एपीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक एक एप्लीकेशन लिखी है डेटा साइंस की, जो ट्विटर से डेटा उठाती है, सेंटीमेंट्स उठाती है, या फेसबुक से डेटा उठाती है, तो एक आपकी एक एप्लीकेशन है, यानी जो लेफ्ट साइड पे डब्बा बना हुआ है, ये आपकी एप्लीकेशन है, और ये वाली एप्लीकेशन है जो फेसबुक या ट्विटर है। तो दरमियान में आप वो एक इंटरफेस लिखेंगे जिससे वो डेटा उठा के लाएगी। आप हमेशा तो नहीं उठा से ला सकते, तो जब भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो फेसबुक से ट्विटर से डेटा उठाएगी। तो डेटा फेसबुक से कैसे उठाएगी? तो फेसबुक का अपना स्ट्रक्चर है, फेसबुक अलाउ करता है कुछ डेटा को एक्सेस करना, जिसको आप जो आपके यूजर है या जो आपके दोस्त है उनके डेटा को सिर्फ आप आंखों से देख सकते हैं या डेटा उठा भी सकते हैं, उसके जो वर्ड है या जो उसकी भी पिक्चर है उसको उठा सकते हैं। तो उसके लिए आप एक एपीआई लिखते हैं, ठीक है? तो एपीआई कुछ नहीं है, वो एप्लीकेशन और ये वाली एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना, ठीक है? लिमिटेड इंटीग्रेशन, कम्प्लीटली नहीं होती है, लिमिटेड इंटीग्रेशन। यानी फेसबुक पे कुछ लिख नहीं सकते आप, वहां से डेटा पुल कर सकते हैं, ठीक है? पुल एंड पुश का मतलब समझते हैं, पुश का मतलब है कि आप अपनी एप्लीकेशन से डेटा फेसबुक पे डाल भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप कुछ डाल नहीं सकते, पुश नहीं कर सकते, पुल कर सकते हैं, वहां पर डेटा है वहां से उठा के कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? ट्विटर में भी यही है। तो आप क्या करते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी में उन एप्लीकेशन को, तो अब ये भी है दरमियान की लेयर है, एक एप्लीकेशन लेयर लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो आपने लिखी है, उसके बाद एक वो एप्लीकेशन है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं और आप एपीआई लिख देते हैं, ठीक है? क्लियर है या नहीं समझ में आ रही है? आ गई, आ रही समझ में सर? जी सर। सर एपीआई और वेब स्क्रैपिंग में डिफरेंस है? एपीआई और वेब स्क्रैपिंग? वेब स्क्रैपिंग का तो मुझे नहीं पता, थोड़ा सा समझाएंगे व्हाट इज दिस वेब स्क्रैपिंग, तो मैं बताऊंगा कि एपीआई क्या चीज होती है। सर जो वेबसाइट से हम उसकी डेटा उठा देते हैं, उसका जो कंटेंट होता है उसका उठाते हैं, स्क्रैप करते हैं। हाँ, तो कॉन्सेप्ट वही है, वेबसाइट से नहीं उठाते, एक्चुअली होता क्या है कि वो एप्लीकेशन से। एपीआई का मतलब है कि जरूरी नहीं है वेबसाइट हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है जो पेरोल से डेटा उठाती है और वो पुश करती है आपके मैनेजमेंट के व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉस है, मैं एक बैंक हूँ बहुत बड़ा, और हमारे बॉस जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं, तो वो कुछ रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है? तो अब रिपोर्ट दिखाने के लिए उनको कैसे दिखाएंगे वो, तो अगर लंदन में बैठे हुए हैं और मेरा ऑफिस कराची में है तो कैसे दिखाऊंगा? तो क्या होता है कि हम कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा उठा लेते हैं, हर एक चीज नहीं लेकिन कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा जो देखना चाहते हैं, बैंक की सेल्स कितनी हुई, बैंक में क्या हुआ, ये चार चीजें पांच चीजें वो रोजाना देखना चाहते हैं ऑफिस जाने से पहले, तो वो पुल कर ली जाती है और फिर किसी एप्लीकेशन में डाल दी जाती है। अब वो व्हाट्सएप का एक करेक्टर है जो व्हाट्सएप में या किसी पे भी, तो पूरी दुनिया में वो जाए उससे एप्लीकेशन से लॉग इन करके, वो पूरी बैंकिंग की नहीं लेकिन वो चार चीजें देख सकते हैं जो देखना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट को, तो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल होता है। तो जरूरी नहीं है, तो एक छोटी सी एपीआई लिख ली मैंने और वो बैंकिंग के सॉफ्टवेयर से वो चार पांच चीजें एप्लीकेशन करती है और हमारे इस एप्लीकेशन में डाल देती है, ठीक है? यानी यूं समझ लीजिए कि मैं बैंक हूँ और मैं अपने सीईओ को कुछ रिपोर्टें दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो पूरी दुनिया में अवेलेबल होने के लिए मैंने क्या किया कि ये चार पांच नंबर्स हैं जो पुल किए और उस डेटाबेस में, उसमें एप्लीकेशन में डाल दिए। तो एपीआई लिखी जाती है कुछ चीजों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसको आप वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसी आप कहेंगे जी ये वाली वेबसाइट है इससे, तो स्क्रैपिंग का मतलब ये कि अगर कोई खास आपने कोड लिखा हुआ है और चार वेबसाइट है जहां से वो जाता है और डेटा उठा के ले आता है, तो दैट इज एन एपीआई। लेकिन आप उसको वैसे किसी और तरीके से लिखते हैं, आई रियली डोंट नो द टेक्निक्स स्क्रैपिंग की, कॉपी पेस्ट करते हैं मैन्युअली या कोई आप एपीआई लिखते हैं, एड्रेस होता है जाता है, हाँ, तो फिर कोड का मतलब है कि वो एपीआई है। यानी उसका मतलब है कि आपने कुछ वेबसाइट है जो प्रोटेक्टेड नहीं है, अलाउ किया हुआ है उन्होंने टेक्स्ट को कॉपी करना, तो आप टेक्स्ट लिख देते हैं और जाके ले आता है उठा के, ठीक है? लेकिन अगर सिक्योर नहीं होते, हाँ, वो सिक्योर का मतलब है अलाउ किया हुआ है ना उन्होंने,
लेकिन फेसबुक से आप उठा नहीं सकते, फेसबुक सिक्योर है और वो आप अलाउ करते हैं, जब वो अलाउ करता है APIs को तो फिर वो कुछ लिमिटेड डेटा, हर चीज नहीं उठा सकते आप, क्योंकि फेसबुक तो बहुत बड़ा डेटा है, तो जो आपके दोस्त हैं जिनको आपका एक्सेस है वो उठा के ला सकता है। इसी तरह ट्विटर के अंदर बहुत लिमिटेड एक्सेस देता है, जो दोस्त है उनकी चीजें उठा के ले आता है, जो जो आपको नजर आते हैं। जैसे अगर मैं अपनी आईडी से लॉग इन करूँ ट्विटर पे तो मुझे सिर्फ 10 लोगों का डेटा दिखाएगा ना, वो सालों का नहीं दिखाएगा। तो उस आईडी से जिन लोगों का डेटा मुझे नजर आ रहा है बस वही डेटा मैं उठा सकता हूँ, ये करता है ट्विटर। और पूरा नहीं एक्सेस देता आपको, ये हर एक का डेटा नहीं एक्सेस देता है, ठीक है। जबकि वेबसाइट पे तो आप कह रहे हैं कि वो डेटा इनसिक्योर होती है और वो यानी कुछ भी उठा ले वैसे, तो वो उसका मतलब है कि वो उस एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और आप उठा लेते हैं, ठीक है। क्लियर? यस सर, ओके, यस सर, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक एप्लीकेशन है जो स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन का मतलब है आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसमें डेटा डलता है, प्रोसेस होता है और आपको दिखाता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंड अलोन, यानी ये एप्लीकेशन को किसी और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक एप्लीकेशन है जो पहले से लिखी हुई है, आपको उससे डेटा फेच करना है और यहाँ पर कंप्यूट करके दिखाना है। तो अगर एक एप्लीकेशन जो स्टैंड अलोन नहीं है, किसी और डेटा से भी कनेक्टेड होगी, तो फिर आपको API लिखनी पड़ेगी। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक पेरोल है और आपसे एक डेटा मांगा जा रहा है कि एक एप्लीकेशन लिख दो, हमें ये चीजें देखनी है, तो वो जो पेरोल जिसने लिखी थी वो तो बना के चले गए और उनकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसकी डेटा बेस में से वो डेटा उठाते हैं और उसको एक API लिखते हैं, वो जब भी मंथली डेटा है वो उसमें पुल करता है और आप उसको दिखा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पीछे नहीं जा रहा, आगे जा रहा, ठीक है। अब इसको जरा देख लेते हैं, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में है ये एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको अभी टर्मिनोलॉजी बस याद रखिए, लेकिन क्या करता है क्या नहीं करता है बहुत डिटेल में नहीं पढ़े, लेकिन जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कर्नल क्या होता है, फाइल मैनेजर क्या होता है, डिवाइस मैनेजर क्या होता है। ये बड़े साइज का मतलब है कि ये इसका मतलब है बहुत बड़ा काम कर्नल करता है, ठीक है। तो पहला काम ये होता है कि कर्नल खुद कुछ नहीं करता, उसको लोड करना पड़ता है। जो अभी हमने देखा था बायोस के अंदर, वो कर्नल को कहाँ मिलेगा कर्नल और उनमें कौन कौन सी फाइल है, इसको रैम में लोड करना ताकि वो काम शुरू करे। तो एक छोटे सा बायोस होता है जिसको लोड करता है, तो ये छोटी सी होती है बायोस, इसको पहले लोड करती है। फिर लोड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल कमांड कोई देनी है आपने, अगर आपने कभी डॉस को यूज किया हो, आप कहते हैं डिलीट, तो वो डिलीट, अब तो आप GUI यूज करते हैं ना, आप कहते हैं डिलीट, जाते हैं माउस के जरिए और डिलीट, लेकिन जब आप कमांड कम होती थी तो आप कहते थे डिलीट, फिर आप कहते थे सोर्स और डेस्टिनेशन, तो वहां जाके डिलीट करता था। तो ये सारे काम कर्नल करता है, ठीक है, ये सारे काम कर्नल करता है। डिवाइस मैनेजर, फाइल मैनेजर, डिवाइस मैनेजर क्या है, अभी जो भी डिवाइस है आपके, माउस, कीबोर्ड और USB स्क्रीन, ये सारे डिवाइस है। तो इनको मैनेज करने के लिए जो आप कुछ कहते हैं कि ये चीज स्क्रीन पे दिखाओ, ये चीज प्रिंटर पे लेके जाओ प्रिंट कर दो, या जब आप कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं ABC तो स्क्रीन पे ABC दिख रहा है, फिर आप कहते हैं पेज चेंज कर दो इसको उर्दू में करो, तो वो उर्दू में लिखना शुरू हो जाता है। तो ये डिवाइस मैनेजर है, उसका पेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पेजेस है जिसको आप डिफरेंट लैंग्वेज कहते हैं, तो वो वही कीबोर्ड है, आप कहते हैं ए तो ए प्रिंट करता है, लेकिन आप उसको उसको किसी और तरह से प्रिंट करते हैं तो वो अलिफ बे पे दिखाना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द डिवाइस मैनेजर, कीबोर्ड का ट्रांसलेटर। ठीक है, इसी तरह से फाइल मैनेजर है, फाइल कैसे, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं हार्ड डिस्क पे तो कैसे होगी, और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे होगी, हार्ड डिस्क कैसे इस्तेमाल होगी, ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन कैसे होगी, नाम सुना है डीफ्रेगमेंटेशन का, एनीबॉडी हु नोस व्हाट इज डीफ्रेगमेंटेशन? अच्छा नाम सुना है, पता नहीं है।
पता नहीं है, चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए हम जरा कर्नल को देख लेते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, आप जरा पढ़िए, फिर मैं, मुझे मुश्किल हो रही है बोलने में। ठीक है कर्नल, अब आपको नाम हो जाना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है, डिवाइस मैनेजर है, फाइल मैनेजर है। तो कर्नल क्या करता है? कर्नल एक मेजर काम, यानी जैसे इंसान का दिल होता है, यानी चलाना खून का ब्लड को, तो इसी तरह से ये भी है। तो मैनेजिंग रिसोर्स और टास्क शेड्यूलिंग। अब ये टास्क शेड्यूलिंग का क्या मतलब है? टास्क शेड्यूलिंग का मतलब है जैसे जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं कंप्यूटर से, तो याद होगा आपको मैंने बताया था कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, ठीक है? तो प्रोसेसर वो कंपेयर, जो भी कंप्यूटेशन है वो उस प्रोसेसर में हो रही है। तो आपको मालूम है कि आप मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, एक जगह आप विंडोज चला रहे हैं और एक जगह आप ब्राउजर चला रहे हैं और एक से ज्यादा ब्राउजर चला रहे हैं। तो जैसे आप टास्क मैनेजर चला रहे, तो आपको दिखा देता है ये वाला टास्क, ये वाला टास्क, ये वाला टास्क। प्रोसेसर तो एक है, मल्टी टास्किंग कर रहा है, तो मल्टी टास्किंग कैसे कर लेता है? ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तो एक काम को पहले कर लेता है, फिर दूसरे को करता है, फिर तीसरे को करता है, राउंड रॉबिन, यानी पहले को कर रहा है। तो एल्गोरिदम लिखे हुए हैं, राउंड रॉबिन करेगा या हाई प्रायोरिटी को पहले करेगा, ठीक है? तो एल्गोरिदम लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए? वो कर्नल में लिखे हुए, कर्नल उस हिसाब से सर्विस देगा। अगर आपने तीन काम दिए हुए और प्रोसेसर की कैपेसिटी तीन की है, तो वो कर लेगा। लेकिन अगर आपने पांच काम दिए और प्रोसेसर की कैपेसिटी तीन की है, तो वो स्लो हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये कौन करवा रहा है? ये कर्नल करवा रहा है, ठीक है? यूं समझ लीजिए एक आदमी है सर्विस देने वाला और चार लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो एक एक करके देगा वो, ठीक है? तो इसको मैनेज करना, इसको शेड्यूल करना, ये कोई बैकग्राउंड में हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है। तो कौन पार्ट करेगा? ये कर्नल करेगा। बात समझ में आ रही है? मल्टीटास्किंग, प्रोसेसर की शेड्यूलिंग, बात समझ में आ रही है? सर मेन डिफरेंस, सर मेन डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या है? मतलब कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो है, लेकिन उसका मेन मतलब एक छोटी सी आप डेफिनेशन में बता दें कि सर क्या काम कर रहा है। ये सारा कुछ है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है सारा कुछ, ठीक है? जो सारा कुछ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसेट है कर्नल, लेकिन बड़ा साइज का मतलब है ये सारी चीजें कर रहा है। पहली बात तो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है कर्नल। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई बात? जी सर, यहां तक आ गई। हाँ, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया गया कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, ठीक है? वो थोड़ा सा अब वो बता रहा है कि अगर आप कहते हैं ब्राउजर को चलाओ और मुझे फलानी वेबसाइट पे चला ले जाओ, तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन उसको कौन हैंडल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में? वो कर्नल कर रहा है, ठीक है? और आप उसको कहते हैं कि जब तक मैं ये वेबसाइट देख रहा हूँ, तुम ये वाली फाइल प्रिंट कर दो। तो देख रहे हैं मल्टी टास्किंग हो रही है, आप वेबसाइट भी देख रहे हैं, कुछ प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो 100 पेज है, तो वो प्रिंट भी कर रहा है और आपको वेबसाइट पे भी दिखा रहा है, मल्टी टास्किंग हो रही है। प्रोसेसर तो एक ही है, याद है ना? प्रोसेसर तो एक ही है, लेकिन वो प्रिंटिंग भी कर रहा है और आपको वेबसाइट भी दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका मतलब है वो प्रोसेसर को टाइम स्लाइसिंग कर रहा होगा, कुछ टाइम आपको दे रहा होगा, क्योंकि वो इतनी स्पीड है उसकी 5i या 7i की कि आपको महसूस नहीं हो रहा, ठीक है? लेकिन वो उसकी शेड्यूलिंग कर रहा होगा। तो कर्नल ये काम करता है, ठीक है? कर्नल में एल्गोरिदम लिखे होते हैं किस तरह से आपको सर्विस देनी है, ठीक है? तो टास्क शेड्यूलिंग, यानी जितने भी काम आप करते हैं, जब भी आप टास्क मैनेजर में जाएंगे, तो एक से ज्यादा काम कर रहा होगा, लेकिन वो सारे काम जो है वो कर्नल में एल्गोरिदम होंगे, ठीक है? इसी तरह से मैनेजिंग रिसोर्स, तो जो भी रिसोर्स है, यानी एक है मदरबोर्ड, लेकिन मदर के अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपकी USB हो गई, आपका जो भी है, इन सबको कौन मैनेज कर रहा होगा? ये आपका कर्नल कर रहा होगा। जो आप कहते हैं प्रिंट, तो ये कर्नल के अंदर वो उसका मतलब लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिखते थे PRT, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब PRT का मतलब क्या है? उसको मालूम है कि प्रिंट करनी है फाइल प्रिंटर पे, ठीक है? तो अब ये PRT कैसे समझ रहा है? अब ये कर्नल के अंदर एक पूरा एक कमांड लिखी हुई है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन आए, तो सोर्स पूछो, डेस्टिनेशन पूछो और प्रिंट कर दो, ठीक है? ठीक है,
इसको कैसे समझाऊं, उसको ऐसे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास के अंदर हूँ और एक इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन वो हो जो हम पहले से समझते हैं, यानी क्लास समझती है कि अगर सर ये बोले तो इसका मतलब है ये करना है, ठीक है, तो कर्नल को पता है कि इसका क्या मतलब है, पीआरटी का क्या मतलब है, तो जब आप उसको कहते हैं पीआरटी आप सीख लेते हैं तो फिर वो उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब तो क्योंकि वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं होता या कमांड कॉम पे नहीं होता, आप कुछ उठा के माउस से कर देते हैं तो, लेकिन बैकग्राउंड में वही कर रहा है मैनेजिंग, ठीक है। कर्नल प्रोवाइड्स द लोएस्ट लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेयर ऑफ द रिसोर्स, स्पेशली मेमोरी प्रोसेसर, ये वही वाली बातें जब भी मैंने बताई, मैनेजिंग रिसोर्स एंड टास्क मैनेजमेंट, तो मेमोरी को मैनेज करना, यानी अगर आप जब एक कोई गेम लोड करते हैं, ठीक है, तो गेम पहले जो भी सोर्स है आपकी यूएसबी या रैम या हार्ड डिस्क से लोड होता है, तो लोड होने का मतलब कहीं रैम में जाके लिखता है, फिर जब रैम में लिखता है फिर जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर वो प्रोसेसर को इस्तेमाल करता है, तो इसको लोड करना मेमोरी में और प्रोसेसर को इस्तेमाल करना और फिर वो गेम का चलना, आवाजें प्रोड्यूस करना, आदमी का भागना, ये सारा कंप्यूटर हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मेमोरी में लोड करना, प्रोसेसर से उसको लेना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे दिखाना, ये सारी चीजें कर्नल कर रहा है, ठीक है। जो आपका गेम होता है वो हायर लेवल में लिखा होता है, लेकिन सारी चीजें उसके दरमियान में बात हो रही होती है, ठीक है, क्लियर है, थोड़ी बात समझ में आ रही है कि यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वाला पार्ट जो है वो टास्क को और रिसोर्स को मैनेज कर रहा था, उसको हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। अब ये वाले पार्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, रिसोर्स प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी को, डिवाइस को, फाइल को, एप्लीकेशन को, ठीक है। इसको यही तक रखें, सर को जरा मुश्किल हो रही है, हम या तो कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे किसी दिन, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, सर को जरा मुश्किल हो रही है बोलने में। ठीक है, तो कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से। Any questions so far? No, sir. ठीक है, चलिए तो मैं second attendance ले लूँ आप लोगों की और फिर हम इसको क्लास को यही ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। मुझे सर में बोलने में मुश्किल हो रही है। सर आप रेस्ट कर लें आज, सर क्लास फिर कभी हो जाएगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया संगीत, ठीक है, तो हम इस क्लास को ऑफ कर लेते हैं। किसी की अटेंडेंस रह गई है तो जरा मुझे बता दें। एक मिनट, सर मेरी अटेंडेंस रह गई, सर मेरी रह गई अटेंडेंस। हाँ, एक मिनट, मैं अटेंडेंस पे दबा, एक मिनट, जिनकी रह गई है वो रुक जाइए, जिनकी नहीं रह गई है वो अटेंडेंस कहाँ है, अटेंडेंस ढूंढ लूं। चलिए अब जरा अटेंडेंस बोलते जाइए, जिनकी रह गई है वो बोलते जाइए। रोनित, रोनित है, किसकी है, चलिए नाम बताते जाइए, मैं लगा दूं फिर उसको नेक्स्ट उसमें भी लगा। सर मेरी है थी नील कुमार की, सर नील और सर दूसरा साधु हुसैन, साधु हुसैन भी लग गई, नील कुमार भी लग गई और कोई, सभी हसन जी, सभी आपकी भी लग गए, ठीक है, और तो कोई नहीं है सर। रोनित, रोनित, सर सद्दाम भी है, रोनित जी, जी सर जी लगा दिया आपकी, रोनित और कौन है, सद्दाम, सद्दाम की भी लग गए जी, सद्दाम खान लगा दिया आपके, ठीक है, और तो कोई नहीं है। नहीं सर, आज वो सेकंड क्लास की वो अटेंडेंस है वो तो आज नहीं होगी ना सर। हाँ, वो मैं अटेंडेंस अभी लगा देता हूँ और फिर अगर आपके पास सैटरडे या संडे में थोड़ी तबीयत खराब सही होती है तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। जी जी सर, जी जी सर, ओके, ठीक है, अगर या
नेक्स्ट वीक देखते हैं, मुझे अभी दो तीन दिन कल से रात से बुखार चढ़ा हुआ है तो बोलने में मुश्किल हो रही है। ठीक है, हम डिसाइड कर लेंगे कब करना है उसको, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू।